मधुपुर के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर बीएसपी नेता टारजन ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी मधुपुर इकाई के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष किया गया। पार्टी के विधानसभा प्रभारी जियाउल हक उर्फ टारजन ने नगर परिषद मधुपुर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर जमकर बरसे। उन्होंने वर्तमान सरकार और सरकार के मंत्री तक को नहीं छोड़ा। जेएमएम और बीजेपी दोनों के क्रियाकलापों पर कई सवाल खड़े किए गए। धरना प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, उपायुक्त के नाम एसडीओ मधुपुर कार्यालय में मांग पत्र भी सौंपा गया। सरकारी स्कूल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूल इतना महंगा हो रहा है कि मिडिल क्लास के लोग भी अपने सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। नगर पालिका को हम लोग भारी भरकर टैक्स देते हैं, मोटर रन देते हैं, उसके बदले में हमको मिलता क्या है? एक तो शहर का बिजली परिवार इतना बराबर नहीं मिल पाती है। हम दिन भर रोजा ठेला रोज लेकर काम करके जब घर काम पर आते हैं और जब हम आराम करना चाहते हैं तो एक रोज की नहीं रहती है और दूसरे तरफ मच्छरों का प्रकोप में बढ़ा रहता है कि न हम पूरी रात सो सकते हैं, न फूल फूल कर सकते हैं, दिन हम आराम कर सकते हैं। और जब नगर कामों में नगर परिषद पर फौजी पड़ोसी में बना हुआ है, यहाँ पर फौजी पड़ोसी में बनाया हुआ है, केवल सुबह बना हुआ है, पूरी पूरे जब बच्चे अच्छे रहा था मैं उस पर खुश हो गया है, उसके भूखा पर मेरे रोग हो गया था, उसके बाद भी पता ही मेरे मन बड़े ढंग से बड़े बड़े लोगों के समर्थन देकर उस पैसे का भुगतान करके और वो शोभा का केंद्र बनाकर रखे हुए हैं। तो 25 लाख रुपये का फौजी पड़ोसी में रखा है जिसमें 50% का करप्शन है, मैंने उसको अपने पद पर रहते हुए विरोध किया था। लेकिन बड़े नेताओं के संरक्षण में बैठे इन पदाधिकारियों ने न केवल नगर परिषद को लूट लिया, नगर परिषद से छह छह लोगों को जीवन हराम करके रखा। हमारी मांग है कि नगर परिषद से दिन प्रतिदिन चारों तरफ फौजी पड़ोसी को चलाया जाए और फौजी पड़ोसी के माध्यम से जो कीटनाशक दवाइयां हैं बेहतर दवाइयां दी जाए, न केवल आपकी राशन से डालकर उसको आप चला गए। ये खतरी कभी नगर राष्ट्र है जनता के साथ ये मनमानी और भय है आपत्ति से निभाते हैं। जनता सब देख रही है आने वाला समय में जनता चार चुकी है और जनता इसका उत्तर जवाब देती है, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। अभी हमारे वक्ता में बहुत अच्छा था कि आज हमें भारतवासियों की सरकार है, हेमंत सोरेन को यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी इसी आदिवासियों के साथ पूरी तरह मारपीट किया, वहां पर महिलाओं के साथ मारपीट किया और दूसरी तरफ जो उसका आदिवासी जीवन है वहां जाकर मानव लगाने का काम करता है। ये दो भारी तलवार बनकर ये जो पेट खा रही है जनता से समझ रहा है और जनता इसे वक्त वक्त जवाब देगा। जनता को वक्त नहीं है, जनता चाहे तो पक्ष को जमीन को अपने आसपास पर ले जा सकता है और आसपास को जमीन को बना सकता है। कभी तो कहने वाले ने कहा था कौन कहता है आसमान में सुहाग नहीं होता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। मोर्चा भी करती है वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन काल में न केवल हमें लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ, न केवल हमें लोगों ने उर्दू भाषा को छोड़ दिया, न ही इनको उर्दू अकेडमी दिया गया, न ही इनके वक्त वक्त पर लागू किया गया, न ही इनके मदरसे एजुकेशन को बढ़ाया गया, न ही उर्दू स्कूल को बचा पाया। आप अपना मिला हुआ देख रहे हैं जहाँ वहाँ भी हमारा उर्दू भाषा की पढ़ाई होती थी, जिन जिन स्कूलों में उर्दू भाषा से लिखा हुआ था आज उन स्कूलों में उर्दू भाषा को हटा दिया गया है।
एक वाली बात है। आपको अकेले अपने मंत्री कहते हैं, अभी हाथ फिलहाल है और हमारे हमारे को पत्थर से कुचलकर मार दिया गया, लॉकडाउन भी कर दिया गया। मैं सबको एमएसएम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप खाली है आपके पास? आप तय नहीं सही से है किस तरह के चुन के बेरोजगारी का मुद्दा है। एक लोग वाला जो यहाँ पर हजारों मजदूर काम करते थे, आज लोग वाला बंद हो गया है। आज सरकार में मिनिस्टर है, सरकार का कैबिनेट के मिनिस्टर है, आप कैबिनेट में बैठते हैं। एक तरफ तो आप रोजगार नहीं पाते हैं, लेकिन जो पहले से रोजगार है आप उस रोजगार को बचा भी नहीं पाते हैं। बहुत समाज पार्टी इसका वोट करती है, उसको चाहिए था कि सरकार के कैबिनेट के लोगों में वोट होना चाहिए था, यहाँ पर मैनेजमेंट से भाव भरना चाहिए था। मैनेजमेंट की कौन सी तकलीफें हुई है कि यहाँ पे ये पारा फैक्ट्री को हटाया जा रहा है, आप सब्सिडी से देते, उसको मदद करते और उस फैक्ट्री को लगाते हमारे यहाँ असेंबलिंग नेटवर्किंग समेत ब्रांडेड डेस्कटॉप लैपटॉप्स का सेल एंड सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास बेहतर सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर्स, गेमिंग आइटम्स समेत म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर से जुड़ी सभी चीजें किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। हम अपने कस्टमर्स के साथ अपना विश्वास बनाते हैं। हमारा पता कंप्यूटर पॉइंट, नगर पालिका कैंपस, मधुपुर, झारखंड। आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड इम्पो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पत्थरचपटी रोड पेट्रोल पंप के बगल मधुपुर, झारखंड।